आज हम आपको जम्मू से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर खूबसूरत शिवालिक पहाड़ियों के बीच में सांबा से पास सांबा तहसील में पंचायत दौरा के नेड़ गांव में लेके आए हैं। ये गांव तकरीबन 3 किलोमीटर फर्दर साउथ सांबा मानसर रोड में है। नमस्कार, मैं हूं नितिन वैद और आप देख रहे हैं स्प्रिट न्यूज़। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। काफ़ी भाई अपने बहनों के घर में गए हुए हैं और फेस्टिवल का आनंद लिया जा रहा है और आई एम श्योर काफ़ी घरों में आज स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर रही हैं और एक बड़ा फेस्टिव माहौल है चारों तरफ। हम आज आपको जम्मू से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर और सांबा मानसर रोड में नड से तकरीबन 3 किलोमीटर फर्दर साउथ एक छोटे से गांव मेन लेके आए हैं। यहाँ लाने का आपका पर्पज़ ये था, हमारा पर्पज़ ये था कि जहाँ रक्षाबंधन के काफ़ी मतलब अच्छा त्यौहार मनाया जा रहा है वहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे खाने तक के पैसे उनके पास नहीं हैं। मैं आज आपको शमशेर चंद जी के घर लेके आया हूँ जो पिछले 2 साल से एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहे हैं और 2 साल से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। आप इनके घर की हालत देख सकते हैं, ये कमरे जो हैं इनमें छत भी प्रॉपर नहीं है और बारिश का भी माहौल है, बरसात का माहौल है, तो आप देख सकते हैं कैसी मुश्किल में ये अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आइए हम आपको लेके चलेंगे, अभी शमशेर चंद जी जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में आपको लेके चलते हैं। ये इस कमरे में शमशेर चंद जी रहते हैं। आप देख सकते हैं कमरे की हालत कि एक तरफ आलमोस्ट इस तरफ देखिए तो छत आलमोस्ट गिर चुकी है और बारिश में आप खुद हिसाब लगाइए कि आजकल के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं। काफ़ी यानी कि पैथेटिक पोजीशन है, देख के मेरा मन भी काफ़ी दुखित हुआ। हम सिटी में रहने वाले, जम्मू सिटी में रहने वाले लोग जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं वो ऐसे सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोग आज भी इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो टेल यू फ्रैंकली, मेरा ये इम्प्रेशन था कि हमारे स्टेट में काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। आज कम से कम खाने के लिए कोई हमारा जो लोकल सिटीज़न है वो उसको खाने का बंदोबस्त तो होता ही है, लेकिन यहाँ आके देखा कि देखिए इनके पास खाने छोड़े रहने का भी नहीं है और खाने का तो आप छोड़िए कि इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। आइए हम इनकी वाइफ से थोड़ा बात करते हैं। के ना जी थोड़ा? मेरा नाम सुनीता देवी जी। के होया है इन्हें के मतलब 2 साल पहले निकिन कदू दे बीमार कोई 2 साल दिन? हां जी 2 साल दे। अच्छा, के होया है ने? एक और हो गया ना सब्जी मंडी। अच्छा, सब्जी मंडी काम करने वास्ते गए थे, गड्डी तो ना थले डिग पे। अच्छा, ते ओदी वजह कांदे सिरे आठ स्टिक ते सब्जी मंडी जे काम करते हैं जी। अच्छा, तो स्टिक लगे थे मैं सिर च, फिर ऐसे डॉक्टर जलाया तो उन्हें कह के सी सीढ़ी स्टैंड करवा दी भाई। उन्हें बोलिया कुछ नहीं है, उन्हें 4 दिन बाद सू घर भेजी दिता। जल्द अस घर आए तो बोलने लगे कि मेरे सिर चक्कर आ रहा। अच्छा, अस दूसरे दिन दोबारा असी ले गए तो अस उन्हें बोलिया कि इसी 2 रुपया घर आई है। अच्छा, उन्हें बोलिया कि इसी 2 रुपया कि 300 वाट वाली दवाई दो असी। अच्छा, तो असं दवाई खिलाना स्टार्ट करती थी। फिर बोलने लगे कोई हफ्ते बाद कि मेरे सिर चक्कर आ रहा। जल्द चक्कर दोबारा लगे पे आदि वजह कारण इन्हें कि थोड़ा इं दौरे की वजह कारण ही रेड हो गया। अच्छा, फिर सोटी बनाकर चलते रहे आस्ते आस्ते आस्ते। तो इंदा इलाज कराया उस वेले दसे? हां जी, फिर आसे जे लोना सानू सामने लिखता कि सी जम्मू ले आओ। अच्छा, ते आसे नहीं सुपर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, उधर जंदे रहे ते उन्हें भी 4-5 दिन रखया, उन्हें भेजीता घर, उन्हें कहे कि घर ले आओ। अच्छा, ते दवाई दा ट्रीटमेंट चलो ठीक हो जाना। अच्छा, आसे दी दवाई दा ट्रीटमेंट कीता, उन्हें 6 महीने दिता, 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट कीता। अच्छा, फिर उन्दे पास गए, उन्हें कहे बख्शी नगर जाओ। फिर आ बख्शी नगर उधर 16 दिन बाद आए, उन्हें बोलिया कुछ नहीं है, टेस्ट में कुछ नहीं आया। अच्छा, फिर लास्ट आया बत्रा हॉस्पिटल दसिया। अच्छा, बत्रा हॉस्पिटल, हाँ, उधर भी ने टेस्ट टूस्ट किए, उन्हें लगा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब इना इलाज को फिर उसके बाद इन्हें काम किया थोड़ा या उधर उधर यहीं नहीं जल लगी, उसके बाद 3 महीने काम किया। 3 महीने काम? हाँ जी, उसके बाद 3 बाद मुड़ा है ना तो काम करते रहे, उसके बाद तो डेड हुए, उसके बाद ही ये मतलब कर ही नहीं सके, फिर काम नहीं कर सके। तो तुम्हें आज तक गवर्नमेंट की तरफों कोई कुछ नहीं मिला? सानू गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो कोई और आए तुम्हें ऑर्गेनाइज? सांबे के निलंबर है ना जेडे निलंबर जी। अच्छा जी, अच्छा, उन्हें सानू बड़ी मदद कराई और नड दे
परमीन जी और नवीन जी अच्छा, नवीन इन्हें भी बड़ी मदद कराई सानू राशन तक पाया साढ़े कुछ खाने जोगे भी नहीं है लेकिन इन्हें सानू राशन भी दिता सब कुछ दिता भाई। तो ये जी बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोकल लोग जो हैं नंबर जी का नाम ले रहे हैं या नवीन जी का नाम ले रहे हैं जो यहाँ के ही लोकल नट से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, इन्होंने कम से कम इनको राशन प्रोवाइड करने का काम किया। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हाँ फाइनेंशियली हेल्प करना तो चलो लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ ऑर्गेनाइज करना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यू नो बिग टास्क कि आप कोई डोनेशन को ऑर्गेनाइज करें, लोगों को बताएं कि ये कुछ ऐसा ये चीज़ है, इस लोग इस पोजीशन में हैं, इस पैथेटिक पोजीशन में हैं, ये अगर हाई लोगों के सामने चीज़ आए तो मदद करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ये एक इच्छा रखते हैं, जो जेन्युइनली एक हेल्प करना चाहते हैं, और हमारा भी यही प्रयास है कि आपके सामने ये चीज़ लाया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं। आप देखिए इनके मकान की हालत देखिए, राशन का इनका प्रबंध इन्होंने किया हुआ है, अगले मुझे ये पता चला है कि अगला 2 महीने का राशन इनके पास है अब। लेकिन एक टास्क जो मेनली इनका ये है कि इनको एक अच्छी मकान में छत दिलाई जाए, इसके लिए पूरा एक बैंक अकाउंट इन्होंने खोला है, उसको जो है यहाँ के लोकल सरपंच और ये जो लोकल ये नीलंबर जी और नवीन जी और 4-5 लोग हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, और ये इनके प्रयास है कि इसमें जो पैसा इकट्ठा हो वो एक मतलब सही काम में लगे, ये नहीं हो कि ऐसे, तो ये भी हो सकता है अगर इनको दिया जाए तो और बड़े आ जाते हैं इधर उधर पैसे को मिस मैनेज करने के लिए, क्या पता उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, इसी को देखने के लिए वो यहाँ पे ये लोग हैं। और हम आपको अकाउंट नंबर भी देंगे, बताएंगे अपने व्यूअर्स को, आप इसमें डोनेशन कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर को वही लोग मॉनिटर करेंगे और उसमें दे विल मेक श्योर कि इसका दैट द फंड्स आर यूटिलाइज जुडिशली। मेन पर्पज़ यही है कि इनके मकान में छत बने। आइए इनके पिताजी से बात करें, आपका नाम जी? शुभारू राम हमारा नाम शमशेर चंद। अच्छा, असें इं मदद राशन पानी बहुत होई, जानी पाप नहीं कुसै आखना, सारे बड़ी मदद की, कुदै लेई जाओ दस्सने, कुदै नाला लाज होऐ तां उला, कुदै उठी खलोऐ अपने बच्चे। तुहाडी किन्नी उम्र है? मेरी उम्र 73 साल। 73 साल, ते तुस भी पहले काम करदे हे किथे? काम मैं टोकरियां दा करना, मैं कोई टोकरी लिया बना के ते ग्राम बेची है। अच्छा, ते तुहाडे परिवार च यही है काम करने वाले जेहड़े करदे हे? इन्ने किसानी कसूनी करनी सारी इन्ने कर लो। अच्छा, ते पहले ये दिहाड़ियां लांदे बाहर उत्थे मंडी दे जांदे हे? अच्छा, ते पहले किन्ना पैसा कमाई लैंदे हे तकरीबन? पहले अपना बकर पछाल पास करते। अच्छा, ठीक हो जांदा गुजारा शायद हो जांदा, ते पिछले 2 साल दा ये कुछ नहीं? कख नहीं। अच्छा, खेतर खेड़े पे खाली खेतर पे कुसै बाई नहीं राई नहीं लैन नहीं देनी, ते बाने वाला भी कोई नहीं है खेतर? इयै बंदा रहंदा हा, जित्थे हल चले उत्थे हल चलानी, जित्थे हल नहीं चले ते इन्नू गुड्डिया गै राई छड़नी। अच्छा, किसानी इयै करदा हुण, इयै नाले सिरे कोल तकर दाला डोई ही। लेकिन ए इहदे उपर दवाई इहदे उपर खर्चा हुंदा है? दवाई बड़ा खर्चा कीता असें, 17 साल गए बस्ती नगर गए, आनंदपुर गए, घर गए उत्थे डाक्टर हुंदा हा। अच्छा, उत्थे भी गए अपने बधेरे टिड्डे लाए, जोगी चेले ढोल धमाके सारा कुछ कीता, सारा कुछ कीता। आप देख सकते हैं कैसे कोई इंसान अगर 2 दिन भी अगर 1 महीना भी कोई अगर बेड में रहे तो क्या हालत होती है, पिछले 2 साल से हैं और कितनी इनको बेचैनी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ कोई पेंशन लगी? लगेगी नहीं, असें 5 ही नहीं सोई, दूआ किसान कार्ड रहा मेरा लोकें 8,000 रुपया साल दा थोआ, नहीं ओह भी 5 ही नहीं सोई। अच्छा, कोई नहीं, बिध आश्रम बिध ओल्ड एज पेंशन वगैरह ये ले कुछ भी नहीं? तुस कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गए, कोई डिपार्टमेंट ते गए? सब दित्ते फार्म लिखी लिखी है, दिंदे रे कख नहीं। अच्छा अच्छा, कोई हाल तक मेरा मकान आया हा। हाँ जी, तो उसलै छिड़कन नहीं ही। अच्छा, छिड़कन ही उसलै बसंतर दा था, रेत ढोती बसंतर दा, पत्थर ढोता बसंतर दा, सब कुछ ढोइए ते पलंथ भराया पिछे। अच्छा, 3 कमरे दा। ओके, 24,000 रुपया थोआ ते 1 किस्त नहीं थोई लेनी, अगे बे पैसा नहीं मिलेगा। देखिए ये एक बड़ी बात है, इनको एक बार ऐसा हुआ है कि इंदिरा आवास योजना का थोड़ा 1 किस्त पैसा मिल गया है, और बहुत पहले मिला था
उसके कारण इन्होंने वो फाउंडेशन का काम किया है, लेकिन बाद में कभी वो दूसरी किस्त नहीं मिली। ये अभी भी उसी पोजीशन में है, आप देख सकते हैं किस पोजीशन में जैसे पहले थे आज से 30-40 साल पहले। तो अगर गवर्नमेंट की कोई मतलब स्कीम आती है तो उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो उसका क्या फ़ायदा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत अच्छे मतलब हर घर में वो आवास योजना दे रहे हैं, स्कीम दे रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि अगर इनको एक बार अगर मिल गया है तो क्या पता दोबारा नहीं मिले उसका पैसा। और कुछ ऑर्गेनाइज यहाँ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कोशिश, इनसे मेरी बात हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि एक आवास योजना जो शमशेर चंद जी हैं उनके नाम पे मिले, ताकि ये जिस मतलब कुटिया में जिसमें रह रहे हैं उसकी हालत सुधार सकें। अब बारिश भी पड़ने लग चुकी है, अब हम यहाँ से चलेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि आप ये पीछे पहाड़ी देखिए कि कैसे पानी अंदर आता होगा। मैंने अपनी लाइफ में मतलब हमने भी बड़े बड़े गरीब घर देखे हैं, पर ऐसी पोजीशन जो है वो मैंने अभी काफ़ी दिनों बाद देखी है। आइए हम बात करते हैं निलंबर जी से, जिन्होंने शमशेर चंद के केस में काफ़ी काम किया है, और इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या कार्य किया है और अभी आगे इनके क्या करने की योजना है। आपका स्वागत है स्पिरिट न्यूज़ में निलंबर जी। धन्यवाद सर, हम आपके माध्यम से समाज तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले लगभग 1.5 महीने से हम संसार चंद जी का जो केस था हमारे नोटिस में आया, और 1.5 महीने से हम उस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। तो उनका घर काफ़ी मतलब गिर चुका था जी, एक ही घर के अंदर वो रहते हैं, सारा डैमेज हो चुका है जी, जी, तो हमारा ये मानना है कि हम उसके लिए कुछ करें जी। तो समाज से हमारा ये आह्वान है, सामाजिक संस्थाओं से हमारा ये निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ करके इस काज में हमारी मदद करें, और उसमें इसका घर बनाने में और उसका जो इलाज है, बच्चों की जो शिक्षा है, उसके लिए हम बेहतर इसके लिए प्रयास कर पाएँ। तो हमारा राशन का प्रबंध आपने इनके काफ़ी, मैं पता लगा कि 2 महीने का राशन का प्रबंध इनका हो चुका है, वो किया है? बड़ी सारी इनका राशन का इस वक्त इनके पास 2 से 3-4 महीने का लगभग राशन है जी। तो हमारा निवेदन ये है सबसे कि इनका अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा सबको, तो उसके लिए ये उसमें जो दानी सज्जन है जो इस काज में हमारे इस नेक काज में हमारी मदद करना चाहते हैं वो उस अकाउंट में अपना पैसा डालें, ताकि उससे उनका घर बन सके, उसका इलाज हो सके और उसके बच्चों की शिक्षा हो सके। इसमें मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अकाउंट की जो है पूरी देख रेख निगरानी ये निलंबर जी करेंगे, और इसमें साथ में और 3-4 हमारे इसमें 4-5 लोग हम इसके लिए 5 लोग इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जी। हमारे नवीन जी हैं जी, जी। और हमारे जंगवीर सिंह जी हैं और हमारे हमारे पंच जी हैं और एक सदस्य हमारे और हैं। हम 5 लोग मिलकर के इनका अकाउंट जो है ना वो देखेंगे, ताकि उसका जो पैसा उसमें आए उसको सर्वसम्मति से उसका बेहतर यूटिलाइज इस परिवार की बेहतरी के लिए हम कर सकें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी रहेगी, आपने जैसे मैंने आपको हम लोगों ने आपको स्प्रिट न्यूज़ के माध्यम से दिखाया कि कैसे उनके घर की हालत है, फर्स्ट इनकी यही प्रायोरिटी है कि इनके घर को, इनकी छत ठीक डाली जाए और इनके बच्चों की शिक्षा, इनकी दवाई का खर्च, ये सब किया जाए। अकाउंट नंबर की डिटेल्स आपको स्प्रिट न्यूज़ के माध्यम से मिलेंगी, आप कृपा करके इसमें दान कीजिए, और ये एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। हम लोग ऐसे ही सिटी में 4 से 5 हज़ार रुपये हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये अगर ऐसे भी डोनेशन इनको मिले एक एक मतलब समूह में, तो ये एक बहुत बड़ा यानी डिफरेंस जो है वो लाएगी आपका। और इसमें आपका मतलब अभी इनके डॉक्टर को भी दिखाने का कुछ मतलब जी, कुछ डॉक्टर जहां घर पे आए हैं उन्होंने इसको एग्जामिन किया है और वो देख रहे हैं कि और हम कैसे इसका इनका जो इनका इलाज है, हम पूरे सिरे से इनका इलाज जो है एक नए तरीके से नए सिरे से करना चाहते हैं, पूरा इनका बॉडी का एग्जामिन हो, क्या इस वक्त इनकी समस्या है, पिछले 2-2.5 साल से ये बेड पे हैं, पूरा एग्जामिन हो, फिर हम पूरा फोकस करके उस पर काम कर सकें और इनको भी खड़ा कर सकें और इनके परिवार को भी खड़ा कर सकें। बहुत अच्छी सोच है जी आपकी। ये नवीन जी हैं, ये भी यहाँ पे इनके साथ, ये लोकली यहाँ के नट के बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी काफ़ी इसमें जो संसार चंद जी का केस में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और टॉपिक्स के लिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्प्रिट न्यूज़। मैं नितिन वैद, धन्यवाद।